मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया है उसके बाद यूपी में भी कई सांसदों के दिलों की धड़कने बढ़ने लगी है। विधानसभा में अपने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को उतार कर बीजेपी ने एक विनिंग फॉर्मूला तैयार किया है। अगर यही प्रयोग यूपी में भी किया जाता है तो कईयों का टिकट कट सकता है। इस बीच आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी एक ऐसा ही बयान सामने आया है जिसमें उनके टिकट कटने का डर साफ नजर आ रहा है। बीजेपी 2024 को लेकर सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बना रही है जिसमें उनके कामकाज, जनता में लोकप्रियता, संगठन के साथ तालमेल को देखा जा रहा है। ऐसे में टिकट कटने के डर से कई सांसदों के हलचल मची हुई है। दिनेश लाल यादव को भी अपने टिकट कटने का डर सताने लगा है। रविवार 1 अक्टूबर को आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर जनता को मेरा काम पसंद नहीं आया तो मेरा भी टिकट कट सकता है। दरअसल रविवार को बीजेपी सांसद आजमगढ़ पहुंचे थे जहां उन्होंने गांधी जयंती को देखते हुए देश भर में चलाए गए स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाई और सफाई अभियान चलाया। दिनेश लाल यादव ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जो काम नहीं कर सकते हैं उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। बीजेपी सांसद ने आगे कहा, अगर जनता ने मुझे और मेरे काम को पसंद किया तो टिकट बच सकता है, नहीं तो उनका टिकट भी कट जाएगा। उन्होंने कहा कि वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से उनकी समस्या जान रहे हैं और उनका समाधान निकाला जा रहा है। अगर हमें कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसे निभाना चाहिए। जिम्मेदारी लेना बड़ी बात है, अब ये जनता तय करेगी कि कौन चाहिए उन्हें और कौन नहीं। मेरा काम अच्छा होगा तो जनता मुझे जरूर चुनेगी और मेरा काम अच्छा नहीं होगा तो हो सकता है कि इस बार का टिकट मेरा भी कट जाए। आपको बता दें कि यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अब ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उनके टिकट कटने की चर्चा अब तेज होती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।